हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और पिंकीज किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कढ़ाई पनीर। फ्राइड पनीर की कढ़ाई पनीर बनाई है मैंने, और इसको बनाने की जो तरीके हैं वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है, वहाँ पे साबुत मैंने लाल मिर्च लिए हैं। साबुत लाल मिर्च जो आपको दिख रहे हैं, आप चाहे तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक तेज़पत्ता लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने साबुत खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, जीरा, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें आती है जो खड़े मसाले गरम मसाले में आते हैं। साथ में मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया वो लिया है मैंने 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि इसी से थोड़ा सा ग्रेवी जो है सो हमारा गाढ़ा बनेगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इन सब को अब मैं पहले भून लूँगी, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, भूनना है बस। और हल्का सा जब इसमें खुशबू आने लगे तो फिर इसे हम निकाल लेंगे, हल्का सा ऐसे फ्राइंग पैन को हिला के, और एक अलग प्लेट में इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल यहाँ मैंने 2 चम्मच अभी डाले हैं, और बाद में थोड़ा सा और डालूंगी, बहुत कम तेल में सब्जी बना रही हूँ। और तेल गरम होने के बाद इसमें हम कुछ लहसुन की कलियाँ डालेंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 से 5 लिए हैं। और 3 प्याज लिया है, वो भी बड़े साइज़ के प्याज थे, तो 3 बड़े साइज़ के प्याज लिया और इसको मोटा मोटा काटा है, वो आप देख रहे हैं। और टमाटर मैंने 2 लिया है, उसको भी मोटा ही काटा है मैंने, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट नहीं पीसना, थोड़ा सा इसको पहले गलाना है फ्राइंग पैन में, कढ़ाई में पहले इसको गलाना है, उसके बाद फिर मैं इसे पीसूंगी। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पहले इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसमें ज़रा सा नमक भी डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है यहाँ पर मैंने, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो टमाटर तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन प्याज का कच्चापन थोड़ा रह जाता है, तो उसको हम अच्छी तरह से पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद ही इसको हम निकालेंगे। तो अब ये थोड़ा सा देख रहे हैं आपकी गल चुका है तेल, ये छोड़ रहा है, ये टमाटर और प्याज जो है वो अपना तेल छोड़ रहा है। तो अब लगभग ये भून चुका है, प्याज भी अपना कच्चापन छोड़ चुका है, देखिए इस तरह से जब हम पका के कोई सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमें मसाला पीसना है, तो पहले मैं ये ड्राई मसाले पीस लेती हूँ, जो हमने खड़े मसाले भुने थे उसे पहले मैं पीस लेती हूँ। और ये मसाला जो है उसे आप ज़्यादा भी भून के रख सकते हैं, साल भर के लिए, चाहे 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए भी आप पीस के रख लें, तो ये बहुत अच्छा इससे सब्जी में स्वाद आता है। और मैंने पहले इसलिए पीसा है क्योंकि इसमें जो टमाटर प्याज फिर हम पीसेंगे तो उसमें उसका भी स्वाद चला जाएगा। तो टमाटर प्याज अब ठंडा हो चुका है, इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी भी मिलाया है जिससे पीसने में आसानी होगी। प्लीज़ गर्म मत पीसिए, नहीं तो ये जाम हो जाता है, कई बार खुलता नहीं रहता है। तो इसे भी हम पीस लेते हैं, और ये देखिए हमारा एक महीन पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हम आगे का कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल, 1 से 1.5 चम्मच तेल इसमें और भी डालेंगे, क्योंकि इसे इसमें अब हमें पनीर को भूनना है। तो पनीर भूनने के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे, एक्चुअली हम इसे भूनेंगे नहीं, फ्राई करेंगे। और पनीर यहाँ पर मैंने 2 पैकेट्स लिए थे, 250-250 ग्राम के 2 पैकेट्स थे वो हैं, और इसे हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेल में हमने नहीं फ्राई किया है, कई लोग कच्चा भी खाते हैं वो भी अच्छा लगता है, पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। और इस पनीर के अंदर मैंने काली मिर्च और जीरा और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर इसे वैसे भी बना के खाना हो तो इसमें थोड़ी सी दही और लहसुन और नमक ये चीज़ें डाल के खाएं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। अब हमारा ये पनीर जो है वो फ्राई हो चुका है, देखिए बिल्कुल ही रेड हो गया है चारों तरफ से, बिल्कुल तल गया है, और तेल भी ये अपना देखिए कितना सारा तेल इसमें रह गया है। अब इसी तेल में हम आगे सब्जियां बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ काजू भून रही हूँ,
काजू इस पेस्ट के अंदर बना करके इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसके बदले दही भी डाल सकते हैं, दही से भी अच्छा स्वाद आ जाता है। चाहे आपके पास खरबूजे का बीज हो या कोई और जैसे मलाई वगैरह होता है वो बाद में डालते हैं। तो काजू हमारा भुन गया, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। वैसे तो सारे मसाले पीसे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा हमें तड़का लगाने की आदत है तो थोड़ा सा जीरा मैंने डाला है। और साथ में मैंने डाले हैं 2 शिमला मिर्च जो बिल्कुल फ्रेश थे और बड़े साइज के थे। तो ये शिमला मिर्च भी साथ में मैंने डाल दिया है। बड़ी कढ़ाई होने का यही फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ डल जाती हैं और वो भी साथ में पक जाती हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा तो गलाना नहीं होता लेकिन हल्का सा उसको फिर सॉफ्ट करना होता है, जलाना होता है थोड़ा सा। साथ में हल्दी, प्रॉपर जो सब्जी के लिए हल्दी हम यूज करेंगे उतना हल्दी डालना है। 1 चम्मच इसमें मैंने सब्जी मसाला डाला है। सब्जी मसाला आता है MDH वगैरह में आता है तो आपको मार्केट में आसानी से वो मिल जाएगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में डाला हुआ था, सब्जी मसाले के बारे में बताया हुआ है। और इसमें 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाली है। अब साथ में मैं डालूंगी ये जो पीसे हुए पेस्ट हैं टमाटर प्याज और लहसुन के, पहले वो डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पहले इसको भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। और इसको धीरे धीरे भूनते रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना नहीं तो ये जलने लगेगा। तो अब हमारा इस मसाले का पानी जो है वो सूख चुका है तो इसमें हम खड़े मसाले जो हमने पीसे थे वो अब डाल देते हैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच ये मसाला हम रख लेंगे जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और बस ये भुन चुका है, अब इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। 1 से 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाला है, 1.5 गिलास पानी डाला है एक्चुअली। और पानी अभी मैं और डालूंगी कम से कम 1 गिलास, क्योंकि जब ये बन के तैयार होगा तो काफ़ी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। अब इसको हम थोड़ा सा उबालेंगे, अभी 3 से 4 उबाल आप इसमें आने दें तो ये अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। देखिए अभी इसमें गाढ़ापन आने लगा है। अब साथ में हम डालेंगे काजू का पेस्ट, इससे सब्जी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए कितना सुंदर रंग भी आ गया है इससे। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। बस हमारी सब्जी अब तैयार है। इसमें हम वो मसाले जो बचा के रखे थे वो ऊपर से बुड़क देंगे, डाल देंगे इस पे और बस हमारी सब्जी तैयार है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ में मैं ये पनीर डाल रही हूँ क्योंकि सबसे लास्ट में पनीर डालना था। बस अब हो गया, इसे आप ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएं 2 मिनट के लिए। चाहे तो आप ना भी ढके तो भी चलेगा काम, मैं तो बिना ढके ही अभी हो चुका है ये तो बस तैयार है, रेडी है सर्व करने के लिए। इसको रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, लाती रहूँगी। थैंक यू।